एक्सट्रैक्ट। हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग करना? यदि आप नहीं जानते तो हमारा आज का ये वीडियो है। दोस्तों, यदि आप कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं तो आपको फॉर्मेटिंग तो आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि फॉर्मेट प्रिंटर आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने पीसी में और जॉस के साथ, क्योंकि दोस्तों ये एनवीडिया इसमें सपोर्टेबल नहीं है, ये जॉस के साथ ही सपोर्टेबल है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मेट कर सकते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। दोस्तों, ये ऑप्शन होम टैब के अंदर है, तो हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा वर्ड ओपन है। ठीक है, तो और दोस्तों इससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड फैमिली के साथ भी वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और हमें कमेंट में वीडियो का फीडबैक जरूर दें। ठीक है, तो हम हमारे वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट ओपन है। अब हमें कुछ टेक्स्ट लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए ये फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन यूज़ कैसे होता है मैं आपको समझा देती हूँ। पहले देखिए, मान लीजिए आपके पास तीन लाइनें हैं या फिर कुछ एक पैराग्राफ है। मान लीजिए आपको कुछ स्टाइल अप्लाई करवानी है, मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि एक लाइन पे स्टाइल अप्लाई हो और एक लाइन पे ना हो, तो इस तरह से कुछ ये फीचर काम करता है। मान लीजिए मेरे पास, मैंने पहली लाइन लिखी इट इज़ बैन। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ, इट इज़ बैन है उस पर तो मेरी स्टाइल अप्लाई हो। ठीक है, और दूसरी लाइन लिखी मैंने इट इज़ डॉग। ठीक है, अब वही मैं चाहती हूँ उस पर स्टाइल मेरी अप्लाई ना हो। और थर्ड लाइन क्या है मेरी, इट इज़ लैपटॉप। अब हम चाहते हैं कि थर्ड लाइन पे हमारी स्टाइल अप्लाई हो, बीच की जो लाइन है उस पर कोई भी स्टाइल अप्लाई ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ही कुछ फीचर काम करता है। तो हम चलते हैं वर्ड स्क्रीन में और आपको दिखाते हैं करके। ठीक है, तो हम लिखते हैं कुछ टेक्स्ट। मान लीजिए हम ये लिख देते, इट इज पेन लिख देते पहला। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, तो हम इसको भी ठीक करना बताएंगे आपको। देखिए आई पर मिसस्पेल्ड है, स्पेलिंग एरर है, तो एप्लीकेशन करेंगे शिफ्ट एफ 10, शिफ्ट एफ 9, शिफ्ट एफ 10, शिफ्ट एफ 9 क्या, अब डाउन एरो करेंगे, मिसस्पेल्ड इब्सन, मिसस्पेल्ड एस्पेन, इग्नोर, ऐड टू डिक्शनरी ए, ऐड टू डिक्शनरी, एंटर करेंगे, लीविंग मेन्यूज, द इब्सन, द इब्सन, लैंग, लैंग, एन, ई, पी, एस, पी, सेस, लैंग, द इब्सन, इट इज पेन। ठीक है, अब लैंग सेकंड लाइन लिखेंगे, आई जी आई स्पेस डी ओ जी एंटर, it is dog, it is dog, aur third line likhenge when, it is dog, when, r t c i s p n n e n g i l enter, it misspelled this vessel. Theek hai, yahan par bhi spelling error hai to isko bhi theek karenge, t i when r t space misspelled s i, ab application karenge shift f 10, shift f 9, shift f 10, menu ignore, add to autocorrect, add to dictionary a, add to dictionary, enter karenge, leave in menu edit, it is dog, it is vessel, it is vessel, that is not, that is pen. अब हमें क्या करना है, फर्स्ट लाइन पे हम आ गए हैं। और दोस्तों हम आपको एक बात और बता दें, यदि आप नहीं पता लगा सकते हो कि भाई आपका डेटा सिलेक्शन क्या है, कैसे है, तो आप वो भी पता लगा सकते हो। ठीक है, तो हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये इट है, तो हम अब देखते हैं होम की करते हैं, हम यहाँ पे टी पर हमारा कर्सर है, तो होम करेंगे, आई, अब हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप राइट एरो से पता लगा सकते हो, जैसे मान लो आपका टी है, तो होम जैसे ही आप करेंगे, तो जैसे मान लो वो लाइन सेकंड हो या फर्स्ट हो, आपका फर्स्ट लेटर पर आ जाएगा कर्सर। ठीक है, तो हम शिफ्ट दबाएंगे एक बार और डाउन एरो करेंगे। ठीक है, एक बार इट इज डॉग सेलेक्ट कर लिया हमने, चलिए हम इट इज पेन को सिलेक्ट करें और डॉग को छोड़ते हैं। ठीक है, it is not selected, T is pen, I, it is pen, it is pen को select करते हैं, home करते हैं यहाँ पे, home, I, selected, it is pen, it is pen, select हो गया। अब हम इसे style लगाते हैं, bold, italic, underline तीनों लगाते हैं। ठीक है, control B करते हैं, hold on, bold on, underline करते हैं, underline on, underline, italic on, italic, control U, control B, control I, हमने तीनों कर दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं insert F से, bold, italicized, single underline, 11 points, black up. देखिए दोस्तों, ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है। ठीक है, आगे नीचे डाउन एरो करते हैं, इट इज डॉग, यहाँ पे देखते हैं, देखिए इट इज डॉग है, वहाँ पर कुछ नहीं है, ना तो वो बोल्ड है, ना वो इटैलिक है, ना वो
अंडरलाइन है, ठीक है? इट इज पेंसिल। अब हम क्या चाहते हैं, हमारी जो थर्ड लाइन है इट इज पेंसिल, उस पर हमारी स्टाइल अप्लाई हो, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले हम फर्स्ट लाइन को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी से। और दोस्तों हाँ, कॉपी कंट्रोल सी से होता है, लेकिन ये फॉर्मेट कॉपी है, ये फॉर्मेट को कॉपी करता है, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट सी करना पड़ेगा, ठीक है? इट इज पेन, हम इट इज पेन को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी से, ठीक है? कॉपी फॉर्मेट इन द क्लिपबोर्ड, जो आपका फॉर्मेट है वो कॉपी हो चुका है। आगे नीचे डाउनलोड करेंगे, इट इज पेंसिल। हम अब इसको सिलेक्ट करेंगे, कर्सर देखते हैं, होम की करते हैं, आई फर्स्ट लेटर पे हमारा कर्सर आ गया है। अब शिफ्ट दबाएंगे एक बार, डाउनलोड दबाएंगे, ठीक है? इट इज पेंसिल। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, ठीक है? पेस्ट करेंगे इसको, अप्लाई फॉर्मेट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, जो हमने फॉर्मेट कॉपी किया था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया है। इंसर्ट टैब से देखते हैं क्या हमारी स्टाइल आ गई है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया। अब हम सेकंड लाइन पे चलते हैं, इट इज डॉग, यहाँ पे करते हैं इंसर्ट टैब। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं है। और फर्स्ट पे चलते हैं, इट इज पेन। देखिए दोस्तों, ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी है, ठीक है? तो आज समझ गए इस तरह से ये कुछ फीचर काम करता है, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। और आपके पास मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ हो, तो आप उसमें भी ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया ये किस तरह से ये यूज़ होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी यही थी, और ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे हम फिर मिलेंगे किसी ना किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।